अच्छा ये बताइए कि दोस्त ज़्यादा ज़रूरी है या पैसा? यार अच्छा ये है कि चांद पर अगर जाने का मौका मिले तो क्या लेके जाएंगे? पैसे को डबल करने का कौन सा आसान तरीका है? या कोई सही पाकिस्तान का सबसे अच्छा वज़ीर आज़म कौन गुजरा है? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मोहम्मद सलमान भाई, अच्छा ये बताइए कि दोस्त ज़्यादा ज़रूरी है या पैसा? यार मेरे हिसाब से तो पैसा ज़रूरी है। क्यों दोस्त ज़रूरी नहीं है यार? दोस्त तो इतनी अहम चीज़ है। पैसा होगा आपके पास तो आप दोस्त खुद ब खुद आ जाएंगे आपके पास। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्त भी तो बहुत अहम है ना। तो आपके पास पैसा आ जाएगा ना, फिर चाय भी आप पिला सकते हो। पैसा ही पैसा होगा, फिर आप दोस्त खुद ही आएंगे आपके पास, गैदरिंग होगी। चले ये दोस्त भाई पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा चलें, दूसरा सवाल आपसे ये है कि चांद पर अगर जाने का मौका मिले तो क्या लेके जाएंगे? चांद पे अगर लेके जाऊंगा तो मैं कोई ऐसी चीज़ जो दिल लग जाए चांद पे। चांद पे क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? दिल लेके जाऊँगा थोड़ी सी। अभी तो फिलहाल इंडिया वाले जा रहे हैं, सोच रहे हैं हम भी साथ चले जाएं कुछ देर। क्या बात है सर। ठीक है, अच्छा हाँ इंडिया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ की कोई चीज़, यहाँ की कोई गर्लफ्रेंड हो गई? नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा नहीं है? नहीं सिंगल है। सिंगल है तो बना बना के ले जाओ ऊपर, उसमें कोई कोई मुंह ही नहीं लगाता है। नहीं नहीं हैंडसम, माशाल्लाह हैंडसम हो तो यार क्यों लगाते हो? फिर भी कुछ तो कुछ तो कोई एक चीज जाएंगे दोस्तों को ले जाएंगे। अभी कहा था कि पैसा जरूरी है, दोस्त जरूरी नहीं है। पैसा आएगा ना फिर चांद पे जाने का वो प्रोग्राम बन जाएगा ना, उसके बाद फिर ले जाएंगे। चले भाई अब दूसरे में दोस्त आ गया। अच्छा अब ये सवाल है कि पैसा डबल करने का कोई तरीका? पैसा डबल करने का? हाँ यार पैसा डबल करने का तरीका कोई खास है नहीं, लेकिन फोटोकॉपियां करवा के छाप दो बस। फोटोकॉपियां जो है वो चलेगा कहाँ? डबल करना है ना, चलाना थोड़ी है आपने, आप डबल कर दो बस। ये पहुँचे आखिरी तय तक, डबल करने का तरीका सिर्फ था। चलें ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा वज़ीर आज़म कौन गुजरा है? पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जी, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो इमरान खान बेस्ट है जी। अभी है इमरान खान। और सबसे बुरा वज़ीर आज़म कौन गुजरा है? बुरा यार बुरा कहोगे तो बुरा मान जाएंगे फिर, इसलिए नो कमेंट। अच्छा अच्छा चलें ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान में बेस्ट क्रिकेट का प्लेयर कौन है? यार रैंकिंग में तो अभी बाबर आजम ही चल रहे हैं, शुरू से लेके अभी तक। शुरू से ये तो चलो करंट होगी ना, अभी जो खेल रहा है मतलब जो रिटायर हो गए। रिटायरमेंट में तो अपना लाला है। शाहिद आफरीदी? हाँ लाला तो सबका फेवरेट है, सबका फेवरेट है। चलिए सर, और आप यहाँ पे कहाँ से आए हैं? यहाँ मैं पीछे मलेर साइड से आया हूँ। अच्छा, और बस वैसे इन्वायरमेंट के लिए आए थे, दोस्त आए तो उनके साथ। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुना सर जी? और क्या नाम है सर आपका? हैदर अली नाम। अच्छा हैदर भाई, हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ सवाल आपसे किए जाएंगे तो आपको उसके जवाब देंगे। ठीक है सर, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि दोस्त ज़्यादा ज़रूरी है या पैसा? सर जी पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, दोस्त तो वो पैसा होगा तो जितने दोस्त बनाना चाहो बना सकते हो आप। ठीक है जी, यार ये भी सही करें, लेकिन दोस्त फिर भी कितना ज़रूरी है? दोस्त ज़रूरी होता है बिल्कुल ठीक है, लेकिन पैसा होता है तो दोस्त भी आते हैं, पैसा नहीं है तो दोस्त आएगा ही नहीं। दोस्त नहीं होगी, आप खाने पीने जाओगे कहाँ पर जाओगे लेकर उसके दोस्त? हाँ दोस्त बोलेंगे, दोस्त खुद ही लेके नहीं जाएंगे, बोलेंगे यार ये बोलो एक अंगला है। चले सर सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा दूसरा सवाल ये है कि चांद पे आप जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे, किसको लेके जाना पसंद करेंगे? भाई चांद पे मैं जाना पसंद करूँगा अपने दोस्तों को ही लेके जाना पसंद करूँगा, अगर छोड़ कर आ जाऊँ उनको वहीं पर। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये सही है, अभी दोस्त जरूरी है तो आप छोड़ के जाने के लिए चलें, ये भी अच्छी बात है कि ताकि बाद में मिले ही नहीं दुनिया में। अच्छा चले, अच्छा ये बताएं कि पैसे को डबल करने का कौन सा आसान तरीका है या कोई सही मुश्किल तरीका?
देखिए पैसों को डबल करने के लिए जो है वो आपको बहुत सारे काम कर सकते हो आप पैसा डबल करने के लिए। आसान तरीका पूछ करोगे तो फिर आसान तरीका तो यही है कि आप किसी को डबल शाह बन जाओ और उससे पैसे लेते रहो। बोलो भाई दो तीन दफ़ा आपने उसको दिए 10,000 रुपये आपने लिए, बोले प्रॉफिट करना है 1,00,000 रुपये ले लिए प्रॉफिट करना है। उसको फिर आपने 2,000-5,000-10,000 एक दो दिन दिए, उसके बाद उसने आपको पैसा देना शुरू कर दिया। चले यानी डबल शाह बन जाए आप, ठीक है। कैसे दिया आपको बन जाओ? अच्छा दूसरा कोई और तरीका, आसान तरीका तो कोई भी नहीं है। होशियार बन सकते हैं ना आम बंदा? आप आसान तरीका अगर हलाल रोजी कमानी है तो आपको जो है वो पैसा डबल हो ही नहीं सकता। आप समझ लो अगर 1,00,000 रुपये आप इन्वेस्ट करती हो तो 10% 20% प्रॉफिट कमा सकते हो मंथली, इसके अलावा नहीं कर सकते। चले यानी कि अच्छा ऐसे दोस्त के बारे में आप क्या कहेंगे जो उधार नहीं देता, जो टोपियां बहुत कराता है, कोई ऐसा दोस्त है? भाई दोस्त तो मेरा है ऐसा बिल्कुल, मैंने अभी रिसेंटली बंदे को जो है पैसे दिए थे 85,000 रुपये, वो 6 महीने हो गए, उसने मुझे जो है वो 6 साइकिलें दी उसके बस में, 6 साइकिलें 5,000-5,000 की। अच्छा और 1,000 साइकिलों का काम करता है क्या? नहीं साइकिलें मैंने दिलाई थी उसको, फिर उसने वो मुझे रिटर्न कर दी 6 साइकिलें उसमें से। मतलब अच्छा बंदा है बुरा बंदा है वो? ये बंदा तो अच्छा है लेकिन पैसे जिस अच्छे बंदे को तो वही बुरा बन जाता है। अब मैं क्या बात है सर, मैं उसको मेरी ज़रूरत है मुझे नहीं दे रहा पैसे, वो मैं क्या करूँ? अब असल में हालात भी ऐसे ना थोड़े से, इस वजह से पैसे जिसको भी दोगे उसी के हालात खराब हो जाते हैं। जिसको आप पैसे दो ये बिल्कुल सही बात कही है। अच्छा चलें ये बताइए कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा वजीर आजम कौन गुजरा है? इमरान खान। वाह यार जबरदस्त इमरान खान। और सबसे बुरा वजीर आजम? सबसे बुरा वजीर आजम तो जो है वो आप कह लो जरदारी। जरदारी तो सदर था ना? नहीं वजीर आजम जो है वो आप नवाज शरीफ वजीर आजम इतनी दफा बना है, वो भी कौन सा अच्छा वजीर आजम बना? अच्छा चलें, कराची के जो रोड हैं वो कब तक बन जाएंगे, एक उम्मीद है? पाकिस्तान के रोड तो भाई इनका तो अल्लाह ही हाफिज है, जब तक कोई अच्छी हुकूमत नहीं आती तो नहीं बनते हुए नजर आ रही। पीपल्स पार्टी वाले तो नहीं बनाते? ये बिल्कुल सही बात है पीपल्स पार्टी वाले। चलें ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपने।